गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावाऊं खोजत तन मह ठौर ना पावाऊं लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाऊं एक पाए देखो सब नारी क्या जानो शह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ता को मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावाऊं खोजत तन मह ठौर ना पावाऊं लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाऊं एक पाए देखो सब नारी क्या जानो शह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ता को मिले सुहाग सचे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरमुख प्यारे सतसंगियो सतगुरु जी की अपार कृपा दे सदका आप गुरु चरणा विच पहुंचे हो अमृत बाणी दे कीर्तन तो बाद लड़ी वार शब्द विचार विच भगत कबीर साहब जी का पावन शब्द आप जी ने सरवण किया है ये अमृतमयी बाणी गौड़ी राग विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंग 327 उपर सुभायमान है। इस अमृत शब्द की विस्तार विच विचार आरंभण तो पहला इस दे मेन जिहड़े विशेष भाव ने समझ लेने जरूरी ने ताकि सारा समा इस विषय नू छोया जा सके। कबीर जी ने अपने जीवन दे उस तजर्बे नू अज बयान कीता है जिदे विच जपदियां सिमरन करदियां प्रेम दी अवस्था आ गई। कहन लगे जिवें शरीर ते कोई चोट लग जाए तो उसका निशान दिसदा उस ते दवाई लाई जा सकती है पर उस प्रभु दे प्रेम दे तीर एवें दे ने जिसनू उस प्रेम की सट लग गई वो अपने सारे शरीर नू भावे फोल के वेख लै एवें दा कोई थां नहीं लभदा जिहदी उदाहरण दिती जाए कि इस थां ते मैनू प्रभु प्रेम दी दर्द है पीड़ है। ते कबीर जी ने उदाहरण दिती है कहन लगे बहुत सारियां इस्त्रियां एक थां ते बैठियां ने उन्हां विच कुछ दा प्रेम अंदरला भाव सत्कार रूप विच अपने पति नाल है पर वेखण विच चेहरा सारियां दा इको जिहा है अंदर किसी नूं पता नहीं भी प्रेम किस दे मन विच है। अज दे शब्द विच कबीर जी ने अध्यात्म दे उन्हां गुप्त भेदां नूं खोलिया कि उस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती ना उस दियां बाहर कोई निशानियां इन्नी जल्दी वेखियां जा सकदियां ने उह ते केवल मनुख दे अपने अंतस दी भुख है उदे अंदर दी वेदना है उसदे अंदर दी दर्द है जिहड़ी केवल बाहरों भाव दे रूप विच प्रगट हुंदी है प्रेम दे रूप विच दुनिया दी कोई भाषा नहीं जिहड़ी प्रेम नू बयान कर सके उह ते केवल गुंगे दी मठियाई है और एक गुप्त रोग है जिहड़ा दिन रात मन विच एक जिहड़ा स्वादला संताप मनुख हंडांदा है। हाँ इन्ना फर्क जरूर है संसार दी तृष्णा संसार दा प्रेम मनुख नू दुखी करदा है ते रब दे नाम दा प्रेम ज्यों ज्यों वधदा है मनुख दे जीवन विच ए दर्द जिहड़ी है वह दुख दी थां ते उस नू आनंद और
उस अवस्था विच ले जांदी है जिस थां ते परत के मनुख नूं खुआर नहीं आउणा पैंदा। आओ इस पावन शब्द नूं आधार बना के सतगुरु जी दी पावन बाणी नाल जुड़न दा यतन करिए। समूह साध संगत करो कृपालता, रसना करो पवित्र और उचारण करो जी सतनाम श्री। फिर कृपालता करो और उचारण करो जी सतनाम श्री। वाहे गुरु साहिब जीओ। मनुखा शरीर की घाड़त घड़द्या उस अकाल पुरख ने इस विच जो चेतना जिसनू मन भी कहा गया है उस दे कई रूप हैं। अंदर एक शक्ति है मनुख दे जिसनू जिवें दी शक्ति मिलती है उधर नू बाहरों जिवें दी संगत मिलती है मनुख दा मन उदे वास्ते तड़फ पैंदा है कुदरती तौर ते। इस शरीर विच साडा जिहड़ा मन है वह बिल्कुल निरपक्ष है, वह अपने आप कोई पक्ष नहीं लैंदा। साडा अंदर केवल प्रेम नाल भरिया होया है, उहदे अंदर तुरन दी शक्ति है, तुरन दा फैसला नहीं है। साडे अंदर दी जिहड़ी शक्ति है मन है उहदे विच तड़फण दी शक्ति जरूर है, प्रेम उहदे अंदर है, पर उस नूं दिशा देनी यह मन दे वस विच नहीं है। दिशा इस नूं बाहरों मिलदी है। दो तरह नाल साडा जीवन गतिशील हुंदा है। एक ते साडे पुराने कर्म अज तो पहला किते हुए कर्म इस नूं प्रेर के अपनी राहां ते तोर लैंदे ने। दूसरा अज दे जीवन विच जो कुछ इहनूं वेखण नूं सुणन नूं बोलण नूं खाण नूं पहनण नूं मिलदा है उस अनुसार साडा मन जिहड़ा है वह उधर नूं दौड़ पैंदा है। ध्यान दिओ मैं अज दे शब्द विचों प्रेम की व्याख्या आप जी नाल सांझी करनी चाहुंदा। प्रेम है कि जिहदे संबंध विच सतगुरु कलगीधर पातशाह कहिंदे ने कि भावें किन्ने कर्म आ जाण जीवन विच जिन्ना चिर प्रेम नहीं आया सारे किते हुए कर्म असफल ने ते बेअर्थ चले जांदे ने। प्रेम तो खाली कर्म कांड बन जांदे ने ते जदों किसे कर्म विच प्रेम आ जांदा है बिरहों आ जांदी है तड़फ आ जांदी है विछोड़े दा अहसास आ जांदा है उदों ओ कर्म करू बन जांदे ने। ध्यान दिओ कर्म कांड भी बन सकदा है ते कर्म करू भी बन सकता है। ये दो शब्द केड़े ने, कर्म कांड और कर्म करू। आप जी ने तवज्जो देना। कर्म कांड का मतलब हुंदा है कि एक कदम अगे तुरना एक कदम पिछे आ जाना, उसनू कहने कर्म कांड बन गया। याद रखिए हर एक कर्म कांड बन सकता है ते हर एक कर्म करू भी बन सकता है। मैं करू शब्द की व्याख्या फिर करा। एक कदम अगे तुरना जिन्ना कु तुरना वापस आ जाना इहनू कहिंदे ने कर्म कांड। पाठ भी कर्म कांड बन सकता है, पाठ जिहड़ा कर्म करू भी बन सकता है। शायद करू शब्द की व्याख्या भी नाल कह दें ताकि सारे नाल जोड़ मिल सके। यह जिहड़ा कर्म शब्द है ना, कर्म एक करू तो ही बनिया है। करू का मतलब हुंदा है जदों कोई जिमीदार अपनी जमीन नूं मिणदा है ते दो पलांगा मिण के उहनूं कहिंदा है एक करू बन गया है, दो कदम चुकदा है, दो कदम चुक के एक करू बनदा है। करू का मतलब हुंदा है भी बंदा तुर रहा है, सफर कर रहा है, पंध तय कर रहा है। जिस दिन पाठ दे विच प्रेम आ गया उदन पाठ कर्म कांड नहीं रहा, उदन पाठ कर्म करू बन गया। करू का मतलब सफर तय करन लग पिया, कदम अगे वधने शुरू हो गए, दो चार छे अठ दस। इसलिए कांड उदों बनता है जदों उदे विचों प्रेम निकल जाता है। दुनिया का हर एक कर्म करू बन जाए तो वह कर्म धर्म बन जाता है,
ते जे उदे अंदर गुरु के सवारियो प्रेम ना रहे उनू कहिंदे ने सतगुरु करम धर्म पाखंड जो दिस है तिन जम जागाती लूटें वह लुटिया जाता है रस्ते विच घेर लिया जाता है क्यों क्योंकि उसने सफर ही नहीं किया उन्हें पंध तय ही नहीं किया। भाई गुरदास गुरसिखी दे व्याख्याकार इनू इस तरह कहिंदे ने पूछत पथक ताहे मार्ग ना धारै पग करू नहीं मारदा अगे नहीं तुरदा सफर तय नहीं करदा। प्रीतम के देश कैसे बादन सहजाई है किवें तू जाएगा उहदे देश विच जिहदे बारे ये तू जानना है भी धन सो देश जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जीओ ओ देश जिहड़ा है उहदे तक जाण वास्ते सारे बाहरले कर्म तैनू सहायता तां दे सकदे ने पर तां देणगे जिद्दण इहनां नू तू कर्मां नू कर्म दे अखरी अर्थ करू बना लेंगा इहनां दे नाल तुरना शुरू कर देंगा। याद रखिए किसी भी पंछी दे ओही खंभ उहदे वास्ते मुबारक ने जिहड़े उसनू उड्डण विच सहायता देंदे ने जिहड़े खंभ उड्डण विच सहायता ना करन ओह खंभ पंछी नू तुरन वी नहीं देंदे क्योंकि भार बन जांदे ने। खंभां दा भार किन्ना है ओही खंभ जिहड़े ने ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਦੁਰਭਾਗ ਵਸ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। दुनिया के धार्मिक कर्म पाठ करना पूजा करनी सेवा करनी सिमरन करना जप करना तप करना यात्रा करनी दान करना कीर्तन कथा जो भी है ये हैण ते गुरु के सवारियो खंभ पर यह जे बिल्कुल सही सलामत असी चलाए तो सानू उड़ा के निरंकार के घर वल लै जाणगे ते जे इन्हां विच कमी आ गई ये खंभ सच जाणो सानू तुरन भी नहीं देणगे। इसलिए हर एक कर्म जिहड़ा है वह कांड भी बन सकता है वह करू भी बन सकता है। बेनती केवल प्रेम के संबंध में करनी चाहना प्रेम है की है कि प्रेम मनुख के जीवन में अपने आप पैदा हो सकता है मनुख आप चाहे जदों मर्जी इस प्रेम नू पैदा कर सकता है जां कोई उड़ीक करनी पैंदी है। ये जिन्हों अज कबीर साहब कहिंदे राम भगत अनियाले तीर ये प्रेम जिहड़ा बिरहों है उसकी खिच है तड़प है कि इस प्रेम नूं असीं अपनी मर्जी नाल पैदा कर सकने हैं जां ये एक अपनी ही अवस्था है। ध्यान दिओ इहदे उत्ते थोड़े जिहे मिनट आपां जरूर लाउणे ने क्योंकि बाणी विच वार वार आउंदा है प्रेम करो साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पर ध्यान दियो कदी भी प्रेम मनुख दे अपने यतन नल पैदा नहीं हुंदा प्रेम अपने आप पैदा हुंदा। हां इस दे उल्टे एक होर परिभाषा है साड़ी चाहत नल प्रेम पैदा नहीं हुंदा ते जिदन प्रेम पैदा हो जाए उदन असी चाहिए दे तो छुट जाइए तो उदन छुटिया भी नहीं जाता ये एवें दी दशा है ना ते अपने जोर नाल पैदा हुंदा है जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटा संसार ना ते साड़ी ताकत कम करदी है और ना ही जिस दिन मनुख एदे विच घेरिया जाए फड़िया जाए एदी गिरफ्त विच आ जाए एदे हत्थां विच आ जाए तां सतगुरु नाल बचन कहिंदे ने कहन लगे मूह लालन स्यो प्रीत बनी तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै तोड़नी चाहुंदा वा टुटदी नहीं छड़नी चाहुंदा वा छुटदी नहीं। तां ही ते कबीर जी ने कहा सी लागी प्रीत सुजान स्यों बरजै लोक अजान अजान ने ये जानकारी नहीं इन्हां नूं कबीर भी कदी सोच लैंदा है शायद चलो छड्डो किहड़े चक्कर विच पए आं पर गल ये है ये छड़दा नहीं प्रेम। हाँ मैं ये बेनती करनी चाहुंदा ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ
जां अदृष्ट दा पै गया इहदा सुभा ना छड़ना। मूह लालन सो प्रीत बनी तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त हो मोहि कर कृपा ठाकुर अपनी। दिन रात पकड़िया गया मनुख गिरफ्तारी हो गई छुटदा नहीं। हुण ध्यान दिओ बड़ी अजीब अवस्था है। प्रेम प्रेमी हो जाना और गल है समझ के। प्रेमी बाहरों होया जा सकता है, मनुख अपनी मानसिक चेतना दे नाल बाहरों प्रेमी प्रदर्शित हो सकता है। मनुख दे दिमाग दे कई सैल ने उन्हां कुछ विचार दिओ अखां विचों पानी वगना शुरू हो जाएगा, कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं है, हुणे ही बहाया जा सकता है। अंदर इन्नी मनुख दे क्रांति आ जाए विचारां दी एकदम उबल जा उबालिया जा सकता है। पर की ये प्रेम कितने डुबलीकेट ते नहीं सुक जान वाला नहीं, ये अथरू झटपट सुकता नहीं जाते। हुणे ये प्रेम है सी, हुणे कठोरता बन गई, इहदा मतलब वो प्रेम सही नहीं सी। फिर ये प्रेम किवें पैदा होवे, मैं बाणी दे आधार ते कुछ बेनतियां आप जी दे चरणों में करनिया चाहुंदा। प्रेम पंजवीं अवस्था है, इहदे तो पहला चार कलासां विचों लंघना पैंदा है, क्योंकि हर एक बंदा प्रेमी बनना चाहता है। हाँ मैं बेनती करनी चाहना, असली प्रेमी बड़े घट बनना चाहते ने, क्योंकि जिदन असली प्रेम आता है उस दिन मनुख का सारा हंकार गुआच जाता है। जे वह लभना भी चाहे अपने अंदरों ईरखा नू हौमै नू, इसलिए असली प्रेमी घट बनना चाहते ने, नकली ज्यादा बनना चाहते। नकली का मतलब पानी भी वगदा रहे अखा विचों, ईरखा भी बनी रहे, प्रेमी भी दिसे बाहरों, लोग कह लग पैन प्रेमी बड़ा है। हुण ते प्रेमी बहुत ही हो गए, अंती कोई नहीं इन्ने प्रेमी। पर प्रेमी वेखो किवें दे, प्रेमियां दे कोलों ईरखा नफरत द्वैश ये सारा कुछ अगन, ये सारा कुछ अग्नि बल रही अंदर, पर उत्थे प्रेम कित्थे सी। इसलिए प्रेम जिहड़ा है ना, इत्थे थोड़ा जिहा आप जी ने ध्यान देना, क्योंकि आपां सारे ही प्रेमी हाँ बारों ना। इसलिए है कि ते कितों पैदा होंदा है, मैं एक बेनती की सी अपने जोर नाल नहीं अपनी ताकत नाल नहीं, पर इहदे दर नू खड़कान वास्ते यतन किया जा सकता है। प्रेम अपने यतन नाल पैदा नहीं होंदा, पर उहदे दरवाजे नू खड़काया जा सकता। उहदे तों पहला चार पड़ा ने इस प्रेम दे बाणी विच आउंदे ने। वेखो दुनिया के प्रेम विच पैण दा जिहड़ा संबंध उह वेखण तो शुरू हुंदा है, पर परमात्मा दे दर दा प्रेम वेखण तो शुरू नहीं हुंदा, उह सुणन तो शुरू हुंदा है। रब दे घर दा गुरु दे घर दा जिहड़ा प्रेम है उह वेखण तो शुरू नहीं हुंदा, उह सुणन तो शुरू हुंदा है। मैं दो तीन उदाहरणां दे दिया ते बाणी दी तुक भी नाल कह दिया। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, सुणन तो प्रेम शुरू हुंदा है परमात्मा दा, वेखण तो नहीं। संसार दा ते प्रेम वेखण तो शुरू हुंदा है, ते जेड़ा प्रेम वेखण तो शुरू हुंदा है वह प्रेम अन्ना है, क्योंकि अख तो बिल्कुल मूर्ख है, अख नू सही सही दिसदा नहीं। इसलिए अख नू साधन बना के जेड़ा प्रेम कीता वह प्रेम भी अधूरा है। स्रोत जेड़ी है ध्यान जेड़ा है वह नाशमान नहीं है, अख नाशमान है। सुन के जेड़ा प्रेम पैदा होया, वेखो गुरु अंगद देव साहब भाई लहणा जी गुरु नानक साहब को जिदन आते ने, उदे तो बहुत समा पहला उन्होंने गुरु नानक देव जी का नाम सुनिया, वेख्या नहीं सी। देवी ते यात्रा करन जाते सन भाई लहणा जी, दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव गुरु काल तो पहला, सिख काल तो पहला की गल है। ये अर्थ यह ना कढ़ना भी गुरु अंगद देव देवी की यात्रा से चले जाते सन, साडा भी चल सकता है। वो समा सी, उहदे तो बाद विच नहीं गए, फिर तो गुरु दे बन के रह गए। उन्होंने केवल सुनिया एक शब्द भाई जोध तो, अमृत वेले भाई जोध आसा जी दी वार दी एक पौड़ी पढ़ रहे सन। जित कीता पाईए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए, मंदा मूल ना कीजे दे लंबी नजर निहालीए। ये पौड़ी उन्होंने पढ़ी ते उन्होंने सुनी, गुरु अंगद देव जी ने सुन के खिच पै गए। धर्म का प्रेम सुनन तो शुरू होंदा है।
धर्म हुंदा ही शुरू सुनन तो है, सच जाणो वेखण दा धर्म नाल कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने सुनिया ते खिच पै गई, पुछया किहदी बाणी पढ़दे हो, कहन लगे गुरु नानक साहब जी दी बाणी। जदों गुरु नानक साहब नाम सुनिया खिच होर वध गई, सुनन दे नाल वध गई। इन्नी बरकत है नानक नाम दे अंदर, इन्नू सुनिया ही अंदर बंदे दी द्रवता आउंदी है, खिच पैंदी है। चले गए, जदों दूसरे पातशाह गुरु बनदे ने ते गुरु अमरदास जिहड़े ने उह वी सुणदे ने ते खिचे जांदे ने। वेख्या नहीं है गुरु अंगद देव जी ने, सुनिया शब्द अपनी नूह तो, भरा दी नूह तो सुनिया, बीबी अमरों तो शब्द सुनिया। अमृत वेले वह मदानी रिड़कते सन, बाबा अमरदास लंघ रहे सन, शब्द की आवाज आई कन्ना विच पई ते गुरु अमरदास उत्थे रुक गए। सुनन तो प्रेम शुरू होता है। ध्यान दिओ, एक राजा सी गुरु के सवारियों बंगलादेश का, जो हुण बनया है संगलादीप का। उस राजे ने भी गुरु नानक साहब जी का शब्द सुनिया सी, एक भाई मनसुख तो। भाई मनसुख ने बाणी का शब्द पढ़िया सी, इसलिए वार वार गुरु नानक साहब क्यों कहिंदे ने, सिखो सुनो शब्द नू, सिखो ते शब्द नू सुनो जे सिख बनना, जे होर कोई रस्ता नहीं है। स्रोत का अभ्यास करो, सुनन का अभ्यास करो। जेड़ा धर्म की दुनिया में सब तो औखा है, वेखना तो सब तो सौखा है, देख लेना तो कोई बड़ी वड्डी गल नहीं। किसी की तस्वीर वेख लो, किसी का शरीर वेख लो, गुरु का शरीर वेख लो। गुरु नू वेखना तो सौखा है, गुरु नू सुनना बड़ा औखा है। वेखण वाली तो बड़ी दुनिया है। साहब ने बाणी में शब्द भी कह दिते सन, सतगुर नू सब को वेखदा, जेता जगत संसार डिठ है मुक्त ना होवे जेचर शब्द ना करे विचार। इहदा भाव अर्थ की होया फिर, गुरु जी नू सारे वेखदे ने पए, सारी दर्शन कर रहे ने, पर डिठ है मुक्त ना होवे। गुरु ने जवाब दे दिता, मैं जुम्मेवार नहीं कले वेखण दा जिन्ना चिर सुनना ना आया, क्योंकि यह प्रेम हुंदा ही शुरू सुनन तो है। उस राजे ने शब्द सुनिया भाई मनसुख तो, ते गुरु के सवारे प्रेमी हो गया राजा, अंदर खिचिया गया। ते मनसुख नू कहिंदा है, गुरु नानक साहब कदों आउणगे, दरबार विच जाना छड़ दिता, काम काज घट गया, खाना पीना घट गया, शरीर कमजोर पै गया। यह प्रेम दीयां निशानियां ने, यह जीवन विच प्रेम है। उस राजे दे जीवन विच प्रेम उतर आया, क्यों? शब्द नू सुनिया, सुन के शब्द सिमरन बन गया, सिमरन तो बाद लिव बनी, लिव तो बाद प्रीत बनी, ते प्रीत तो बाद प्रेम पैदा होया। मैं शुरू विच बेनती की सी, चार अवस्था ने पहला, हुण सीधी पंजवी चले जाएंगे। जे सीधा आपां पंजवी दे कागज भर दिते तां डुप्लीकेट हो सकती है, जिवें बारों बारों आपां पढ़ लैने, उहदा अभ्यास तां नहीं कीता गया। जपण तों शुरू हुंदी है धर्म दी कलास, जाप तों बाद स्रोत शुरू हुंदी है सुनना, जिहनूं जाप कहिंदे ने। जाप दे अर्थ बोलना नहीं है, जाप दे अर्थ सुनना नहीं, सुनना ते बोलना ते केवल जाप है। इसलिए सिख दे नितनेम विच पहला जाप साहिब दी बाणी आउंदी है, बोलना ते फिर जाप आउंदा है। जाप दे अर्थ बोलना नहीं, जाप दे अर्थ सुनना है। जाप शब्द जिहड़ा है ना, इहदे अर्थ बोलना नहीं है। भावें कि असी गुरु का हुक्मनामा सुन लग्या वी नाल बोलने आ, साडी वखरी अवस्था है। सानू बोलन दी इन्नी आदत पक चुकी है वी वेखो, कोई जज हुक्म सुनाउंदा होवे ते मुजरम जिहड़ा नाल खड़ा होके उस हुक्म नू नाल नाल बोलदा है। एक पासे जज साहब हुक्म सुना रहे ने अदालत विच बोलदा है, और कोई नहीं बोलेगा। जे ये हुक्मनामा है, जे गुरु बोल रहे ने, ते जदों गुरु बोलते ने उदों सिख नहीं नाल बोलता, वह केवल सुनता है। इसलिए जाप ये पहली अवस्था है। मैं बेनती कर रहा सा, प्रेम धक्के नाल पैदा नहीं हुंदा, प्रेम इन्हां रस्तियां तो लंघ के पैदा हो सकता है। सीधा कोई प्रेमी नहीं हो सकता जिन्ना चिर जपी नहीं बनिया, जिन्ना चिर उन्हें जपया नहीं, इन्ना जपया
बाबीखा प्रयो प्रयो करे जलनिध प्रेम प्यार। इना जपया बाबीहा अमृत वेला बोलिया तां दर सुनी पुकार। इना बोलिया एक दू जीबो लख होए लख हो मैं लख वेश लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश। इना जपया जदों जप वध जांदा है वह फिर मन विच गूंजन लग पैंदा उसनू फिर जपना नहीं पैंदा उसनू केवल सुनना पैंदा है उन्हूं जाप कहिंदे ने। यह दूसरी अवस्था है प्रेम की। यह प्रेम तक जाण दीआं अवस्था ने। इन्ना भर देना अंदर नूं जप दे नाल भी जदों यह अंदरों भरिया जाए जिवें एक नलके विच उत्तों पानी पाई जाईदा है पाई जाईदा है ते जदों थले वाला ते उपर वाला पानी रल जांदा है उदों बाहरों पानी नहीं पाउणा पैंदा क्योंकि अंदरों पानी आउणा शुरू हो गया। इन्ना भरिया गया नलकूप इन्नी नाली भरी गई इन्ना जपया गया बाहरों पाया सी दो चार बाल्टियां एकदम उहदे विच जिहड़ी हवा सी जिहड़ा गैब सी निकल गया ते थले वाला पानी उस बोर ने उस ट्यूबवैल ने उस नलके ने चुक लिया हुण बाहरों पानी पाउण दी लोड़ नहीं है। इनू कलगीधर पातशाह कहिंदे ने कि जा आत्म उपदेश भेस संजम को जाप सो अजपा जापै सदा रहे कंचन सी काया काल न कब हूं व्यापै। होर इहदे परहेज बड़े दसे ने जप किवें सफल हो सकदा कोई एवें नहीं है भी प्रसादियां नाल रज के मनुख जपी बन जाएगा। इहदे होर भी बड़े परहेज कलगीधर पातशाह ने दसे ने तलवार नहीं है कली कदी कलमां दे भी दर्शन करने कलगीधर पातशाह दे इकलियां तलवारां नहीं पर असी कलमां नूं लुका के रखिया तलवारां नूं प्रगट कर दिता है। यह दास ने अखां नाल वेख्या पौंटा साहिब दरबार साहिब विच वेखणा जाके दो कलमां पईआं ने कलगीधर पातशाह दीआं दो कलमां जिन्हां दे नाल उन्हां ने कुछ लिखिया उस कवि दरबार विच जाप साहिब सवैये होर बड़ा कुछ उच्चारण किया पर जिथे शस्त्र रखे हुए ने पंगाणी दे जंग दे वह सामने सारिआं नूं दिस रहे ने पर जिथे कलगियां वाले दीआं कलमां ने ना वह एक थां ते एक पासे थोड़ा जिहा थां है उत्थे किसे नूं पता ही नहीं लगता भी आ कलमां किहड़ियां इह कलमां किस दीआं ने। शस्त्रां नूं चमकाया असीं और दुनिया में सिद्ध कर दिता गुरु गोबिंद सिंह तलवारधारी ने कले। असल में बेनती करा जिथे शस्त्र रखे गए ने कलमा उस दे उपर रखनिया चाहीदियां सन बिल्कुल उत्ते सामने शस्त्रां दे नाल कलम दिसदी शस्त्रां दे नाल कलम भी सामने आउंदी ओह कलम जिस नूं वेखण दे नाल जिस दीआं उस जिहड़े मूंह दे विचों कलगीधर पातशाह दे हत्थां दे दीदार हुंदे ने ओह सामने चाहीदियां ने। उन्हां ने अध्यात्म दे भी बड़े बड़े बहुत सारे भेद खोले ने आत्म उपदेश भेस संजम को जाप सो अजपा जापै सदा रहे कंचन सी काया काल न कब हूं व्यापै। फिर इनू उन्होंने इस जाप नू दृढ़ करन वास्ते नाल उपदेश दिते ने कहन लगे अलप आहार सुलप सी निंद्रा ये नाल चाहिदा है। अलप आहार थोड़ा खाना सुलप सी निंद्रा थोड़ा सौना ये नाल रखिए दे तां तेरा जप जेड़ा प्रेम विच जान दे समर्थ हो सकेगा। जप जेड़ा है बहुत कीता जाए बहुत कीता जाए और ये उड़ीक कीती जाए भी किस दिन मन अंदरों बोलन लग पैंदा है उस दिन फिर इनू घट कर देना चाहिए। इनू छड़ना तो नहीं चाहिए घट कर देना चाहिए उस तो बाद स्रोत शुरू होंदी है जाप शुरू होंदा है। मैं गल केवल प्रेम की करनी है शब्द विचों पर प्रेम पैदा किवें होंदा है सट वजदी किवें जिन्हों कबीर साहब कह रहे ने कि राम भगत अनियाले तीर लागी होए सो जानै पीर किवें चोट चली जाए साडे मन तक उस तीर की बड़ी पिछों शुरू करना पएगा। जिन्हों जापने उन्हों सुरना सुनना शुरू कर दिता दूसरी अवस्था आ गई। इस तो बाद फिर लिव बनती है जिन्हों गुरु अमरदास कहिंदे साची लिवै बिन दे निमाणी
देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया, उन्हां चिर देह निमाणी रहेगी, बेताकत रहेगी। जिदन तीसरी अवस्था लिव आनी शुरू हो जाए उदन शरीर की ताकत बदनी शुरू हो जाती, फिर कमजोरी हट जाती। ये लिव है तीसरी अवस्था। लिव तो बाद प्रीत बन जाती है, इतों तक यतन करना पैंदा है। ते गुरु के सवारे प्रीत तो बाद फिर यतन नहीं करना पैंदा, वो लगातार अपने आप बन जाती है। इस प्रीत नूं क्या है, बाणी दे विच बहुत सारे थावां ते प्रीत दे उदाहरण दिते गए ने सतगुरां ने। हुण ध्यान दिओ, इथों तक यतन सी, ये चार जदों कोई कर लै फिर पंजवां प्रेम है। प्रेम प्रीत दे विचों पैदा हुंदा है, इन्हां चौहां दे विचों आउंदा है, फिर उन्हूं पैदा करन दी लोड़ नहीं रहिंदी, अपने आप आ जांदा है। जिवें बाहर बारिश पै रही है ते जदों असीं मकान छड़ के बाहर चले गए, बारिश अपने आप उत्ते पैनी शुरू हो जाएगी। जदों कोई बंदा प्रीत विच चला जांदा है उस समय प्रेम दे आउण दी संभावना वध जांदी है। उस तो पहला गुरु के सवारियो जिन्ने भी थां ने असीं अजे अंदर ही खड़े हाँ, अजे प्रेम दे सामने नहीं होए। इन्ने चिर नूं मनुख दा जीवन भांडा तैयार हो जाए, उहदे कोल उह थां आ जाए जिहदे विच दर्शन पै सकदा है। अजे ते जिहड़े दर्शन की मंग कर रहे हैं, सच जाणो उस प्रभु दे दर्शन मनुख कर ही नहीं सकदा, इन्नी वड्डी उहदी अवस्था गुरबाणी विच बयान की गई है। उहदे मिलाप की सीधा साधा मनुख किवें उहनूं सह सकेगा, अजर वस्तु है, अचर चर है। तां सिद्ध पाई सिद्धी ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर तां भरम काटिया जाए। प्रेम के सर, प्रेम दे तीर जदों वजने शुरू हो जाए, पर उस तो पहला प्रीत आ गई। हुण प्रीत तक मनुख यतन करदा है, ते जिस दिन प्रीत आ जाती है उस दिन मनुख ध्यान भी नाल नाल करदा है। इसलिए सिख दे जीवन विच जदों प्रेम आउंदा है उदों ध्यान भी नाल उहदा टिक जांदा है। इकला प्रेमी नहीं है सिख, नाल ध्यानी भी है, वह ध्यान नूं भी टिकाउंदा है। ध्यान धरो ते को जग मैं, ध्यान धरो ते को मन मैं, जे को अमतोज सभै जग छायो। ध्यान ते प्रीत इकट्ठे आउंदे ने, जदों ध्यान ते प्रीत दा मिलाप हुंदा है उस मिलाप उस संजोग दे विचों फिर प्रेम दा सूरज प्रगट हो जांदा है। ये जिन्हों अज कबीर साहब कह रहे हैं। हुण जदों ये प्रेम पैदा होया उस अवस्था नूं अज शब्द विच कह रहे हैं, उहदे अखरी अर्थ करने बहुत जरूरी ने। प्रेम की अवस्था जिदन उहदी दर्द जिन्हों कबीर साहब कह रहे हैं कि कत नहीं ठौर मूल कत लावो। हुण मनुख उस शरीर विचों कबीर साहब कहिंदे मैं वेख्या ते प्रेम कित्थों आ रहा इहदे बारे कोई पता नहीं लगता, क्योंकि मनुख इन्ना दीवाना हो गया, उस रस नूं पी पी के इन्ना ओ खीवा हो गया, इन्ना मस्त हो गया कि उन्हूं अपने शरीर दे विचों पता ही नहीं भी किहड़े थां ते प्रेम पैदा हो रहा। ये थावां ते पहले ने, जोग पहले ही है बस प्रेम तो, भी किहड़े थां ते ध्यान लाउणा, धुन्ने विच लाउणा कि सिर विच लाउणा कि ते। कत नहीं ठौर, ठौर का मतलब टिकाणा है। कबीर जी कहिंदे ने मैं सारे शरीर नूं वेख्या भी कित्थों प्रेम की खुशबू आ रही है, अंदरों कित्थों तड़फ आ रही, कित्थे दर्द हो रही है, कित्थे शरीर दे विच कोई बिंदु लभदा ही नहीं प्रेम का। कत नहीं ठौर, कित्थे थां नहीं मिलदी। मूल कत लावो, मूल का अखरी अर्थ है जड़ी बूटी, क्योंकि मूल का अर्थ हुंदा है जड़, ते इत्थों जड़ तो अर्थ भाव ने जड़ी बूटी। जड़ी बूटी का भाव है दवाई। कहन लगे प्रेम दी अंदर दर्द इन्नी है कि मैं मैनू वह थां नहीं लभदा भी जिहड़े थां ते मैं दवाई ला के इस प्रेम दी दर्द नूं हटा दे। कत नहीं ठौर, मूल कत लावो, कत दे अर्थ ने किथे, किहड़े थां ते दवाई लावां, दारू लावां, क्योंकि प्रेम जिस थां ते हो रहा है उस थां दा पता ही नहीं लग रहा। कुछ चीज़ां ऐसियां ने जीवन विच जिन्हां नूं केवल मनुख आप ही महसूस कर सकता है, दूसरे नूं पता नहीं लगता। ध्यान दिओ, शरीर दियां कुछ ऐसियां अवस्था ने
नींद का पता मनुख नूं आप ही लग सकता है। जदों नींद आई है किते अंदर लिखिया नहीं गया, अंदरों कोई आवाज नहीं आई भी तेनूं नींद आ गई हुण सौं जा, बस आ गई नींद अपने आप। हां नींद नूं लिआउण वास्ते साधन वरते जा सकते ने। यह तीन चीजां इको जिहियां ने, दर्द होनी, नींद आउणी ते भुख लगनी, ते भावें नूं अगे व्याख्या कर ली प्यास लगनी, ते प्रेम होना, भावें पंजां विच वंड लई। शरीर दीआं जिहड़ियां पंज अवस्था ने ना, नींद आउणी, भुख लगनी, प्यास लगनी, दर्द होनी ते प्रेम होना, इन्हां दी कोई भाषा नहीं है, यह सारिआं नूं लगदी। कदी जदों भुख लगती है अंग्रेज नूं वक्री नहीं लगती भी इहनूं अंग्रेजी विच भुख लगी है ते इहतों हिंदी वालिआं नूं हिंदी विच भुख लग गई। जिहड़ा असली है वह सब कुछ इको ही है। गुरु साहब ने तां ही फैसला कर दिता भी मन सब एक है, अनेक को परमाओ है, यह तो भरम है सारा। जिहड़ियां तत् चीजां ने ना मनुख दे शरीर विच, वह सारियां इको जिहियां ने। ना किसी नूं प्यास उर्दू विच लगती है, ना किसी नूं प्रेम फारसी विच हुंदा है, ते गुरु के सवारे हो ना किसी नूं नींद अंग्रेजी विच आउंदी है, वह सारियां इको जिहियां ने। एक होर भी चीज है, जदों मनुख खुश हुंदा है उहदी भी कोई भाषा नहीं है। इन्हां चीजां दा कदी अभ्यास करके वेखना, थोड़ा थोड़ा मन दा पता लगना शुरू हो जाएगा। नींद किवें आउंदी है, मन दे बिल्कुल नेड़े आउंदी है नींद। यह भुख अंदर लगी कौन दस रहा, अंदरों किवें पता लग रहा? पर असी इहनूं फिलासफी कह के जां वेदांत कह के भंड दिंदे आ। असल विच सतगुरु कहिंदे बंदे खोज दिल हर रोज, इहनूं खोज जे तूं सिख बनना है, तूं धार्मिक बनना है। जदों किसे नूं भुख लगे उस वेले वह बाहर केवल उसे नूं पता लग सकदा है। याद रखो जदों कोई बंदा परमात्मा नूं मिलदा है वह कह देगा जरूर भी मैं इस अवस्था में चला गया, पर जे बाहरला सबूत मंगे विखा तेरी भुख किथे है, तो भुख विखाई नहीं जा सकती, वह लगती है। कौन विखाएगा भुख नूं, क्योंकि उहनूं आप भी नहीं दिस रही। किसी की सबूत इस बंदे नूं भुख लगी है कि मूंह दे उत्ते लिखिया गया भुख शब्द अखर लिखिया गया। जदों किसी नूं प्यास लगती है केवल तड़फदा है, वह केवल तड़फ के कहिंदा मैनूं प्यास लगी है, ते बाहर जे कोई कापी लैके आ जाए दे सबूत दे किथे प्यास लगी कदी नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सवाल दे कदी हल नहीं होए भी परमात्मा है कि नहीं, तैनूं मिलिया है कि नहीं, क्योंकि जिन्हों मिलिया है उन्हों प्यास वांगू, भुख वांगू, नींद वांगू, दर्द वांगू मिलिया है, वह की इहदा बयान करे, किवें दसे। एक उदाहरण बड़ी प्यारी इस थां ते आउंदी है, एक नौजवान किते पढ़ गया ज्यादा, यह भी बड़ा वड्डा दुखांत है, विद्या ज्यादा आ गई। ते जदों किसी बंदे नूं विद्या ज्यादा आउंदी उह सब तो पहला धर्म विच दखल दिंदा है, बड़े वड्डे दुरभाग ने। जदों किसी नूं विद्या ज्यादा आउंदी है उह सब तो पहला धर्म दे उत्ते तर्क करदा, बाकी छड्ड दिंदा। अज भी आप वेख सकदे हो, थोड़ा जिहा पढ़िया ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਕ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਬਜਰੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਸਿੱਧਾ ਤਰਕ ਚਲਾਕੀ ਧਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਵਰਤ ਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਤਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सच जाणो धर्म ते पैदा ही तां होया वी लोकां दा सुधार करना सी, नहीं तो धर्म नूं बोलण दी लोड़ ही नहीं, अपने थां ते चुप बैठे ने। गुरु मजबूर हो के बोलते ने, गुरु बोल के राजी नहीं हन, उदों बोलते ने जदों मजबूर हो जाते, मजबूर होके बोलते ने। गुरु नानक साहब नूं पुछ के वेखो, वह कहिंदे बोलना नहीं चाहुंदा पर की करां, इन्ना अनर्थ हो रहा मैं बोलन तो रह नहीं सकता, फिर बोल पाओ। जे असी सुधार करना तो अपना करिए, गुरु वाले पासे ना तुरिए सुधार कर। गुरु तो पहले धर्म सुधरिया होया, धर्म के तो अर्थ ही ने, जिहड़ी चीज विच होर सुधार ना किया जा सके। प्रेम के तो अर्थ ही ने, जिसनू होर साफ ना किया जा सके। आ खालसा शब्द के अर्थ की ने, खालसा शब्द के अखरी अर्थ, संत शब्द के अखरी अर्थ यह बनते ने जिन्हों होर शुद्ध नहीं किया जा सकता, जो पूरे सिरे तक शुद्ध है। इसलिए ध्यान दो गुरु के सवारे, यह प्रेम की अवस्था जिहड़ी है ना, प्रेम की जिहड़ी परिभाषा है, ये सबूत मंगने बड़ी वड्डी मूर्खता है। धर्म के सबूत मंगने, धर्म है जे ते भुख दे सबूत मिलते ने ते धर्म दे भी मिल जाएंगे। इसलिए अज कबीर साहब कह रहे ने, लागी होए सो जाने पीर। कोई नौजवान आ गया लैके कापी किसी धार्मिक पुरश को, कह लगे तुहाडी इंटरव्यू लैनी है, तुहाडे तो पुछना है भी ये की है धर्म, दसो कितने मिलया है। हुण आपू अपना अवस्था है जीवन की, वह किसी होर दुनिया में रहिंदे ने। एक सबूत मंगण वाला बंदा किसी होर दुनिया में जीवंदा है, दुआ की भाषा ही नहीं मेल खांदी, वह सबूत किवें देवे, वह चुप ही कर जांदे ने भी इहनू की दसो, समझना तो है नहीं। उन्हें बड़ी बारी कहा जी नाम जपो फिर पता लग जाएगा, जिवें असीं हर रोज कहिंदे आ सेवा करो पता लग जाएगा परमात्मा किवें मिलदा है, नाम जपो। वह दो चार जोड़े झाड़ के आ गया जी, कोई नहीं मिलिया, दसो जल्दी करो। वह कहिंदे जी नाम जपिया करो, बाणी पढ़िया करो। गया दो चार दस मिनटां में जपजी साहब पढ़ के आ गया जी, कोई रब नहीं, एवें झूठ बोल रहे हो। मजबूर हो के फिर उन्होंने एक्शन लिया, सामने बैठा सी उन्होंने हाथ में एक वटा सी, उन्हें खिंच के उस नौजवान के पैर ते मारिया। हुण जदों पैर ते लगा दर्द होई, चिलाउन लग पिया, रौला पा दिता। ये बड़े धार्मिक पुरश बनते ने ते मारते ने लोगों नूं। जदों ने रौला पाया ते जिस धार्मिक पुरश नूं महापुरशां नूं पुछण गया सी, उन्हां बांह फड़ के पुछया वो तेनूं की हो गया, क्यों रौला पाउना है, क्यों रो रहा है। कहन लगा क्यों रो रहा, तुहानू पता नहीं मैनू दर्द हो रही है। कहन लगे विखा कित्थे दर्द हो रही है। उन्हें अपना पैर अगे कर दिता, खून वग रहा सी, जख्म सी। कहन लगे इत्थे हो रही है। वह कहिंदे ने इत्थे खून वग रहा, जख्म है, दर्द ते इत्थे कोई नहीं दिसदी। कहिंदा जी दर्द दा ते मैनू ही पता है ना, तुहानू की पता हो सकता है। वह कहन लगे फिर रब दा भी मैनू पता, तेनू किवें पता हो सकता है, यह दर्द है। लागी होए सो जाना पीर, इनू बयान करना ते इनू पुछना, इहदे सबूत मंगने इस तरह है जिवें किसी दी दर्द दा सबूत मंग लेना। इसलिए कत नहीं ठौर मूल कत लावो, कोई थां नहीं, कोई जख्म नहीं दिसदा पर फिर भी दर्द हो रही है जीवन विच। मूल कत लावो किथे दवाई लावां, खोजत तन मैं सारे शरीर नू खोजदियां लभदियां ठौर ना पावो। कबीर साहब कहिंदे मैनू प्रेम वाली थां दी जिथे दर्द है कोई भी थां नहीं लभी है दे। वाहिगुरु गौड़ी कबीर जी, कत नहीं ठौर मूल कत लावो, खोजत तन मैं ठौर ना पावो। कबीर साहब कहिंदे ने मैं सारे शरीर नूं खोज के वेख लिया, प्रेम दी एक दर्द इस तरह दी है, जख्म एवें दे ने भी इस दा थौ टिकाणा पता नहीं लगदा ते ना इस ते कोई दवाई असर करदी है दे। लागे होए सो जानै पीर, राम भगत अनियाले तीर रहाओ। लागी होए जिन्हों लग जाए, सो जानै ओ ही जानदा पीर पीड़,
राम भगत प्रभु की भगती अणियाले तीर, अणियाले तीर का मतलब होंदा है वह तीर जिन्हां दे उपर अणियां होंदियां ने, किंगरे बने होंदे ने अणियां वाले तीर। एक तो सीधे तीर होंदे ने, एक तीर होंदे ने जिन्हां दे सिरियां दे उत्ते किंगरे बने होंदे ने, उन्हां नूं अणियां कहिंदे ने। आसा जी दी वार दे शंतां विच बाणी आउंदी है, जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया। ये प्रेम दे अनियाले अणियां राम राजे, अणियां वाले तीर जिन्हां दे किंगरे बने होंदे ने। ये तीर जिन्हों वज जाए ना जिवें नागणी, वो होर चीज है। ये तीर जिन्हों लग जाए, जे उहदे शरीर विच खुब जाए, तां जदों उस तीर नूं सेले नूं नेजे नूं पिछा खिचिया जांदा है, वो सारियां आंदरां बंदे दियां कढ के बाहर धर दिंदा तीर, क्योंकि उहदे विच जिहड़े किंगरे बने हुंदे ने वो शरीर दियां अंतड़ियां नूं बाहर खिच लैंदे ने। इहनूं अणियां वाला तीर कहिंदे। जिहड़ा एक सधारण तीर है ना, वह सीधा वजेगा, मनुख बच सकदा है, उहनूं खिचो जख्म सीता जा सकदा है। पर जिहड़ा अणियां वाला तीर जिन्हों वज गया, जे उन्हें बाहर कढ़िया ना खिच के, वह नाल ही आंदरां कढ़ के रख देगा। प्रभु दे प्रेम दा तीर कबीर जी कहिंदे ने अणियां वाला है, किंगरियां वाला है। गुरु का शब्द जिस दे हिरदे दे विच खुब जाए, संजोया जाए, जे उन्हों बाहर कढ़िए खिचिए तो बंदे की मौत हो जाती, नवा जीवन मिलता है। पहला उहदे जिहड़ियां आंदरां ने ना विकारां दियां, ईरखा दियां, निंदिया दियां, ये नाम दा अणियां वाला तीर उस बंदे दे विकारां दियां आंदरां नूं खिच के बाहर कढ दिंदा। इहदे भाव अर्थ ये बनदे, जिन्ना गंद मंद सी अंदर सारा बाहर कढ दिंदा है अणियां वाला तीर। लागी होए सो जाने पीर, जिन्हों लग जाए, जेड़ा ये दर्द हंडा लै जीवन विच, ये दर्द ये तीर जिन्हों लग जान, जिन्हों बाणी विच होर थावां ते कहा गया, इन्हों एक तपश दे नाल भी तुलना दिती है। इस दर्द नूं बयान कीता, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी वेदन तू जानता साहा अवर ना जाने कोई। केवल तू ही जानदा इस प्रेम नू। फरीद साहब ने एक बचन कहा, कहन लगे फरीदा चिंत खटोला वाण दुख, बिरह विशावन लेफ। एक उलामा दिता रब नू, क्योंकि प्यार विच बोल रहे ने, चिंत खटोला तेनू मिलन की चिंता लगी रही दिन रात, ये मंजी बना ली असा। चिंत खटोला, खटोला दे अर्थ होंदे ने खाट मंजी। चिंत खटोला वाण दुख, उस मंजी विच जेड़ा वाण पाया बनाई हुई है, वह दुख का भाव तेरे प्यार दे विच भुख नींद खत्म हो गई, ये जेड़ा मैं तपज सह रहा वह वाण है। चिंत कठोला वाण दुख, बिरह विशावन लेफ। लेफ का मतलब है रजाई, तलाई। ये उत्ते जिहड़ी तुलाई विछाउणा कीता है वह बिरहों का है, प्रेम का है। चिंत खटोला वाण दुख, बिरह विशावन लेफ। ये हमारा जीवन, तू साहिब सच्चे वेख, एक बारी साढ़े वल वेख ते सही भी असी केड़े ढंग नाल तेरी याद विच जीवन गुजार रहे हैं। ये प्रेम की अवस्था फरीद जी ने बयान की। कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मास, ये दोए नैना मत छूहो फिर देखण की आस। बिरह विशावन लेफ, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरो ना उपजै सो तन जान मिसान। फरीद साहब कहिंदे फरीदा तन तपै तनूर ज्यों, बालन हड बलन तेरी याद विच, मेरा शरीर तंदूर बन गया है ते मेरे हड विच जेड़े ने बालन बन के बलदे ने पै। ये तपश है प्रेम दी, ये इन्ना सुखाला नहीं है जिन्ना कहना सुखाला है पढ़ना। ये बड़े सख्त भांबड़ ने, साड़ देंदे ने अंदरों सब कुछ।
कह लगे तन तपै प्रेम की अग बल पई है अंदर भांबड़ मच पै ने साड़ी जांदा शरीर नूं पर सार ज्यों ज्यों साड़दा त्यों त्यों जीवन शुद्ध हुंदा जांदा है। तन तपै तंदूर ज्यों बालन हड बलन ते इस तपश करके शरीर थक गया है। कह लगे पैरी थकां जे पैर थक गए सिर जुलां जुलां दा अर्थ तुरना हुण मैं सिर नाल तुरना शुरू कर दिता है। धर्म का मार्ग पैरां दी यात्रा तो शुरू हुंदा है ते सिर नाल तुरन ते जाके खत्म हुंदा है। इहदी शुरुआत पैरां तो हुंदी है पर ज्यों ज्यों मनुख तुरदा है ना इन्ने अदब विच इस श्लोक नूं पढ़ना इन्ने अदब विच चला जांदा है। पैरां नाल तुरना मुसाहिब नहीं समझदा ठीक नहीं समझदा वह सिर पर ने तुरना शुरू कर देता है। उल्टी गंग बहावे इहदा मतलब बहुत पिछे चला जांदा है। खैर फरीद साहब कहिंदे ने पैरी थकां सिर जुलां जे मूंह प्री मिलन फरीदा गलिए चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने चला ता भिजै कंबली रहा ता टुटै ने। ध्यान दिओ एक तपश है फरीद साहब एक उदाहरण देंदे ने कह लगे तप तप लोए लोए हाथ मरोरों बावल होई सो सो लोड़ो। प्रेम ते बड़ा उच्ची अवस्था है बावल होई कमली हो गए कमला हो जाए बिल्कुल मनुख पागला वांगू प्रेम दे अवस्था ही है। तप तप लोए 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 का अर्थ हुंदा है जिवें जेठ दे दिनां विच लोह वगदी है ते रुख दे पत्ते झुलस जांदे ने लू जांदे ने उहनूं आपां कहिंदे आ पत्ते लू गए ने लोह ने साड़ दित्ते ने। कहिण लगे हे प्रभु मेरा शरीर तेरी याद विच तपदा पिया मेरे शरीर का हर एक इंद्रा लोहिया गया तेरी याद विच तप तप लोए लोए हाथ मरोरों बावल बावल का मतलब है कमली बावल होई सो सो लोरों उन्हूं लभ रही हां खोज रही हां। इन्ना पागल कौन होवे ते मिलाप तां हो सकता है। इत्थे पागल का मतलब कोई की कह रहा इहदे बारे बिल्कुल बेपरवाह हो जाना दुनिया वालों समाज वालों धर्म दे जिहड़े कई बने हुए अखौती कर्म कांड ने उन्हां वालों बेपरवाह हो जाना। कहन लगे बावल होई सो सो लोरों ते जदों कुछ कुछ अध्यास होया सामने गए ते पता लगा तैं सह मन में किया रोस। ए समझ आ गई कि प्रभु अल्लाह जिहड़ा रुस गया है रोस कर लिया मन विच तैं सह मन में किया रोस ते फिर होर पता कीता ए पता लगा तेरे रोसे विच तेरा दोष नहीं दोष ते मेरा है क्योंकि मेरे अवगुण होण करके मैं तेरे नाल मिल नहीं सकदा ते ना मिलन करके इन्हां दोषां करके गुनाहां करके रब रुसिया होया है। इसलिए तैं सह मन मैं किया रोस मुझ अवगुण सह ना ही दोष। ए प्रेम दी अवस्था उस दर्द नूं हंडाउण तों बिना कबीर जी कहिंदे लागी होए सो जानै पीर राम भगत अणियाले तीर। उस प्रभु दी बंदगी दे ओदी भगती दे तीर अणियां वाले हन एक भग एक भाए देखो सब नारी क्या जानो शह कौन प्यारी। एक भाए दा मतलब इको जिहियां इहदे अर्थ बड़े स्पष्ट ने नारी शब्द दा अर्थ इस्त्री है जिवें बहुत सारियां इस्त्रियां जा रहियां ने इको जिहियां दिसदियां ने बाहरों पढ़िया नहीं जा सकता क्या जानो इन्हां विचों किवें पता लगे सह कौन प्यारी भी इन्हां दे विचों केड़ी पति दी वफादार है। इन्हां दे मथे ते नहीं लिखिया उह ते अंदर दी घटना है मन दा प्रेम है। एक भाए देखो सब नारी सारियां इस्त्रियां एको जिहियां ने वेखण विच क्या जानू की पता लगे बाहरों सह कौन प्यारी पति नूं प्यारी उहदी वफादार पति परता कौन है। इसे तरह सारे सिख इको जी लगते ने सारे भगत इको जी लगते ने पर एक रति बिन एक रति के श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख प्रियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत
को न देखित प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के क्या जानो सह कौन प्यारी। इन्हों दे विचों अंदर दी दशा, इसलिए कबीर जी कहिंदे ने कौन है उस दे दर ते प्रमाण, इस बारे बारू पढ़ना ते सबूत मंगने बहुत ही कठिन हन। कहो कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हर ताको मिले सुहाग। कबीर जी ने सारे शब्द की व्याख्या करके गल फिर भागा ते ले आंदी, ये फिर कर्म की गल शुरू हो गई। जिहड़ी बेनती मैं शुरू विच कीती सी ना, भाग किवें बनदे ने, कहो कबीर जाके मस्तक भाग, भाग का अर्थ हुंदा हिस्सा, हिस्से विच किदे हुंदा मिलाप। फरीदा रात कथूरी वंडिया सुत्या मिले ना भाओ, भाओ दे अर्थ ने भाग हिस्सा, किनू मिलदा हिस्सा, सुत्या मिले ना भाओ। जिन्ना नैण निंदरावले तिन्ना मिलन कवाओ, जिन्ना ने जप कीता जप तो जाप बनिया स्रोत उन्हां दे अंदर पैदा हो गई, उस तो बाद लिव बनी, लिव प्रीत विच तब्दील हो गई, प्रीत दे अंदर ध्यान अपने आप आ गया ते उहदे विचों होया प्रेम पैदा, जिस दे भांबड़ ने जीवन दे अवगुण सारे साड़ दिते ते सारियां नूं छड्ड के रब ने उस नूं गल विच ला लिया। सब पर हर सारियां नूं पिछे धक के तां को मिले सुहाग, ओ प्रभु परमात्मा उस नूं मिलिया। आओ एक पंक्ति पढ़ के आपां यतन करिए, गुरु चरणा नाल सुरत जांदियां जुड़ जाए। नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, 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 तेरा कीता जा तो नाही, 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 मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, निर्गुण यारे को गुण नाही, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, निर्गुण यारे को गुण नाही, निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, तन मन थीवै हरिया नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले। सत्संगत इस तरह गुरु कृपा द्वारा जो गुरुद्वारा साहब विखे निरंतर